सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट पर। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और बहुत ही सकारात्मक खबर है, यानी कि ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर क्या है, आप देख सकते हो ऊपर डीएलएड स्व केंद्रों पर परीक्षा कराने की मांग, यानी कि जो आपकी परीक्षाएं हैं इनको आपके अपने कॉलेजेस में, अगर जो प्रशिक्षु डाइट से डीएलएड कर रहे हैं वो अपने परीक्षाएं डाइट में दें, जो प्रशिक्षु निजी कॉलेज से डीएलएड कर रहा है वो अपने कॉलेज में ही परीक्षाएं दे। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करनी बहुत जरूरी थी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हो कि सीबीएसई के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बचे हुए पेपर्स हैं उनका एग्जाम कराया जाएगा 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में। तो दोस्तों, इस स्थिति में यहाँ पर देखिए इन लोगों के लिए एक रास्ता निकाला गया कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम सेंटर हो वो उनका खुद का ही स्कूल हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सीबीएसई स्टूडेंट्स टू टेक पेंडिंग बोर्ड एग्जाम्स इन देयर ओन स्कूल्स एंड नॉट इन एक्सटर्नल सेंटर्स, यानी कि किसी दूसरे सेंटर पर नहीं बल्कि उनके खुद के स्कूल में ही उनके एग्जाम्स करा लिए जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर सीबीएसई ऐसा निर्णय ले सकता है, क्योंकि चूंकि पूरे भारत का निर्णय, पूरे भारत में ये निर्णय चलेगा क्योंकि सीबीएसई पूरे भारत में इसके बच्चे पढ़ते हैं इस बोर्ड के, तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो यूपी में जो डीएलएड के एग्जाम्स हैं आसानी से उनके ही कॉलेजेस में कराए जा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग का सेंटर जाता है राज्य की इंटर कॉलेजेस में, सरकारी इंटर कॉलेजेस में, तो अगर उन कॉलेजेस में सेंटर जाता है तो वहां पर तो अभी खुद ही बच्चे में एग्जाम हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनकी भी परीक्षाएं अभी बाकी हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी तो दे ही रहे हैं। तो इस स्थिति में एक चीज हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, कि आप लोगों की परीक्षाएं भी हो सकता है कि अब आपके कॉलेज में ही हो। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि डीएलएड की जो परीक्षाएं मार्च में होनी थी उसे अब कराया जा सकता है। इनकी परीक्षाएं स्व केंद्र के रूप में कराई जाए जिसमें एक कक्ष में केवल 5 छात्र बैठाए जाए। इन सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि परीक्षाएं कम दिवस में होती हैं और इसे आसानी से कराया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग की जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 दिन में खत्म हो जाती हैं, किसी भी सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 दिन में खत्म हो जाती हैं। और आप सभी को पता है 1 दिन में 3 पेपर या 1 दिन में 2 पेपर इस तरीके से आपके पेपर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की परीक्षाएं अगर स्व केंद्रों पर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अपने कॉलेज में परीक्षाएं होंगी तो आसानी से आप वहां पर जा करके, और चूंकि आप सभी को पता है अगर डायट है तो वहां पर 100 से 200 सीटें होती हैं, और अगर निजी कॉलेज है तो 50 से 100 सीटें होती है, तो आसानी से इतने बच्चों के लिए तो किसी भी कॉलेज में निश्चित रूप से अच्छे से जगह और व्यवस्था भी की जा सकती है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप लोगों का एग्जाम आसानी से कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो पहल है ये बहुत अच्छी है। अगर सच में आप लोग के डीएलएड एग्जाम इस तरीके से करा लिए जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सार्थक न्यूज भी होगा, और सार्थक कहीं ना कहीं आप लोग की पढ़ाई भी सार्थक हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन से आप लोग पढ़ पढ़ के लगातार परेशान हो गए हैं, आप लोग के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो अगर एग्जाम हो जाते हैं सही समय पर तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सकारात्मक खबर आप लोगों के चेहरे पर जरूर मुस्कान लेके आई होगी। हो सकता है दोस्तों कि निश्चित रूप से आप लोगों के जो एग्जाम है वो आपके कॉलेजेस में ही हो जाए, और किसी भी तरीके से अगर आपके एग्जाम्स हो जाते हैं समय पर तो भी आप लोगों का जो सेमेस्टर है उसकी पढ़ाई तो नेक्स्ट सेमेस्टर की आप लोग कर ही रहे हो, तो हो सकता है कि इसकी भी परीक्षाएं जल्दी ही करा ली जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग की परीक्षाएं सही समय पर हो जाती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की का ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है सेमेस्टर, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि किस सेमेस्टर पर हम ध्यान दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करोगे, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ सके। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों का लगातार प्रोजेक्ट कार्य हम करवा रहे हैं। प्रोजेक्ट कार्य अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और दोस्तों, आपको आपकी सुविधा के लिए ही हमने आपके जितने भी
हम लोगों ने प्रोजेक्ट की फाइल आप लोगों के लिए बनाई है, उसका हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है उनके सभी वीडियोस का। तो आपको उस सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम आपकी सभी क्लासेस चला रहे हैं, कंटिन्यू आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी अगर आपके आपका ये पहला वीडियो है और आपने इससे पहले कभी हमारे चैनल के वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लीज हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपकी परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, आप लोगों के प्रोजेक्ट कार्य से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं हम, कोई भी चीज छूटने नहीं पाती है। और लगातार आप लोगों को हर एक खबर से हम अपडेट रखते हैं और आगे भी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि आगे चल के हम सभी को आप सभी के साथ यूपी टेट सी टेट सभी की तैयारी आप लोग को लगातार ऐसे ही करवानी है। जब तक आप एक टीचर नहीं बन जाते, एक गवर्नमेंट टीचर बन नहीं जाते, तब तक हम लोग का ऐसे ही प्रयास चलता रहेगा। तो बस दोस्तों ऐसे हमारे प्रयास में अपना साथ दीजिए और लगातार हमारे वीडियो से ऐसे जुड़े रहिए और लगातार अपना जो प्रेम और विश्वास हमारे चैनल से ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।